हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस मज़ेदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मीनाक्षी सेसाद्री जी की सभी हिंदी फिल्मों के बारे में। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मीनाक्षी सेसाद्री जी ने अपनी बॉलीवुड करियर की शुरुआत साल 1983 में आई पेंटर बाबू से करी थी और इनकी पहली फिल्म तो फ्लॉप साबित हुई थी। और इसके बाद इसी साल ही मीनाक्षी जी की फिल्म आई हीरो। और दोस्त इस फिल्म की लागत थी 2,75,00,000 की और फिल्म ने दुनिया भर से 13 करोड़ की बम्पर कमाई की। और मेरे दोस्त मीनाक्षी जी की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसके बाद इनकी फिल्म आई दो गुलाब और यह तो फ्लॉप हुई थी। अगली फिल्म आई इनकी साल 1984 में लव मैरिज और इसने अपने भारत से कमाई 1,80,00,000 और यह फ्लॉप रही। अगली फिल्म आई मीनाक्षी जी की साल 1985 में होशियार और दोस्त लागत थी फिल्म की 1,70,00,000 की और इसने कमाई 4 करोड़ की और दोस्तों यह हिट रही। इसके बाद आई मेरा जवाब और इसने भारत से कमाई 2,60,00,000 और यह एवरेज हुई थी। इसके बाद आई आंधी तूफान और दोस्त यह हिट हुई थी। इसके बाद आई महागुरु और लागत थी फिल्म की 1,85,00,000 की और कमाई की इसने 1,90,00,000 और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई बेवफाई और लागत तो थी फिल्म की 1,25,00,000 की लेकिन इसने कमाई मात्र 1,05,00,000 और यह डिजास्टर रही। इसके बाद आई महाशक्तिमान और यह फ्लॉप हुई थी। इसके बाद आई मेरी जंग, फिल्म की लागत थी 2 करोड़ की और भारत से कमाई इसने 4,50,00,000 की और दोस्तों यह एक हिट फिल्म साबित हुई थी। इसके बाद आई थी मेरा घर मेरे बच्चे और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई लवर बॉय और यह भी फ्लॉप रही। इसके बाद आई आवारा बाप और यह भी फ्लॉप हुई थी। और इसके बाद आई थी पैसा यह पैसा और फिल्म ने कमाई अपने भारत से मात्र 80,00,000 की और यह भी फ्लॉप हुई थी। अगली फिल्म आई मीनाक्षी जी की साल 1986 में दिलवाला और मेरे दोस्त यह तो सुपरहिट हुई थी। इसके बाद आई स्वाति और यह फ्लॉप हुई थी। इसके बाद आई अल्लाह रखा और इसने भारत से कमाई 1,40,00,000 की और यह एवरेज हुई थी। इसके बाद आई दहलीज और इसने कमाई भारत से 30,00,000 और यह तो डिजास्टर हुई थी। इसके बाद आई माँ बेटी और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई मैं बलवान और लागत थी 2,38,00,000 की, फिल्म की कमाई हुई दोस्तों 7 करोड़ की और यह एक हिट फिल्म साबित हुई थी। इसके बाद आई थी रिकी और यह फ्लॉप रही। अगली फिल्म आई इनकी साल 1987 में डकैत और दोस्त इसकी लागत थी 1,84,00,000 की, फिल्म ने कमाई 4 करोड़ और दोस्त यह हिट रही। इसके बाद आई परिवार और 1,38,00,000 की लागत से बनी फिल्म की कमाई हुई 3 करोड़ और दोस्तों यह एक सेमी हिट फिल्म साबित हुई थी। इसके बाद आई सत्यमेव जयते, फिल्म की लागत थी 1,65,00,000 और दोस्तों इसने कमाई थी 4,90,00,000 की और यह तो हिट हुई थी। इसके बाद आई मुकद्दर का फैसला, फिल्म की लागत थी 1,55,00,000, भारत से कमाई इसने 1,28,00,000 और यह फ्लॉप रही। और इसके बाद आई थी इनाम 10,000, लागत थी फिल्म की 1,97,00,000 की और कमाई इसने 5,60,00,000 की और दोस्तों इसी के साथ ही यह हिट रही। अगली फिल्म आई इनकी साल 1988 में औरत तेरी यही कहानी और यह फ्लॉप रही। इसके बाद मीनाक्षी जी की फिल्म आई सहिंसा और दोस्त इसकी लागत थी मात्र 3 करोड़ की, फिल्म ने दुनिया भर से कमाई 10 करोड़ की और मेरे दोस्त यह सुपर हिट हुई थी। इसके बाद आई थी विजय और इसकी लागत थी 2,70,00,000 की, कमाई इसने 3,60,00,000 और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई गंगा जमुना सरस्वती और लागत तो थी फिल्म की 8 करोड़ की लेकिन इसने कमाई मात्र 5 करोड़ और यह डिजास्टर रही। इसके बाद आई 20 साल बाद 1,28,00,000 की लागत से बनी फिल्म ने कमाई 2,30,00,000
40 लाख और यह एवरेज रही। इसके बाद आई मैं तेरे लिए और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई थी इंतकाम और लागत थी फिल्म की 2.8 करोड़ की और इसने कमाई 2.90 करोड़ और यह भी फ्लॉप रही। अगली फिल्म आई इनकी साल 1989 में जोशी लाई और 2.85 करोड़ की लागत से बनी फिल्म ने कमाई 3.80 करोड़ और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई सच्चाई का बोल बाला और यह भी फ्लॉप हुई थी। इसके बाद आई थी बड़े घर की बेटी और लागत थी इसकी 1.5 करोड़ की और इसने कमाई 3 करोड़ और यह एक अबव एवरेज फिल्म साबित हुई थी। इसके बाद आई थी तूफान और लागत थी फिल्म की 4 करोड़ की और इसकी कमाई हुई थी 5.75 करोड़ और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई आग से खेलेंगे और इसने भारत से कमाई 1.40 करोड़ और यह भी फ्लॉप रही। इसके बाद आई महादेव और दोस्त इसकी लागत थी 2.05 करोड़ की फिल्म की दुनिया भर से कमाई हुई 7 करोड़ की और दोस्त यह हिट रही। इसके बाद आई थी घराना और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई मोहब्बत का पैगाम और यह भी फ्लॉप हुई थी। इसके बाद आई थी नाचे नागिन गली गली और 70 लाख की लागत से बनी फिल्म की कमाई हुई 75 लाख की और दोस्त यह भी फ्लॉप हुई थी। अगली फिल्म आई इनकी 1990 में आवारगी और यह फ्लॉप हुई थी। इसके बाद आई शानदार और दोस्त यह भी फ्लॉप हुई थी। इसके बाद मीनाक्षी जी की फिल्म आई दोस्तों घायल और इस फिल्म की लागत तो थी मात्र 2.5 करोड़ की और इसने दुनिया भर से 16 करोड़ की बम्पर कमाई करी और दोस्त मीनाक्षी जी की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। वैसे दोस्तों यह फिल्म काफी मस्त है। इसके बाद आई थी जुर्म और 1.70 करोड़ की लागत से बनी फिल्म की कमाई हुई 3 करोड़ की और यह एवरेज हुई थी। इसके बाद आई थी अम्बा और इसने अपने भारत से कमाई 1 करोड़ की और यह डिजास्टर हुई थी। इसके बाद आई थी घर हो तो ऐसा और दोस्त लागत थी 1.90 करोड़ और इसने कमाई 5.85 करोड़ की और यह तो हिट रही। इसके बाद आई थी प्यार का कर्ज और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई थी तड़प और यह भी फ्लॉप हुई थी। अगली फिल्म आई इनकी साल 1991 में अकायला। लागत थी फिल्म की 4.90 करोड़ की और इसने कमाई 7.80 करोड़ और इसे बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दी गई थी। इसके बाद आई थी घर परिवार और यह तो हिट रही। साल 1992 में इनकी फिल्म आई हमला और फिल्म ने अपने भारत से कमाई 1.55 करोड़ और यह डिजास्टर हुई थी। इसके बाद आई आज का गुंडा राज। लागत थी फिल्म की 2.5 करोड़ की और इसकी कमाई हुई 5 करोड़ और दोस्तों यह एक अबव एवरेज फिल्म साबित हुई थी। इसके बाद आई पुलिस और मुजरिम। लागत थी फिल्म की 2.10 करोड़ की और इसने कमाई 4.60 करोड़ की और दोस्तों यह हिट रही। इसके बाद मीनाक्षी जी की फिल्म आई हमसकल और लागत तो थी फिल्म की 1.70 करोड़ की और इसने कमाई दुनिया भर से 4.5 करोड़ की और दोस्तों यह भी बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी। इसके बाद आई थी यह रात फिर ना आएगी और यह डिजास्टर हुई थी। इसके बाद साल 1993 में इनकी फिल्म आई क्षत्रिय और दोस्त लागत थी फिल्म की 5 करोड़ की और इसने कमाई 8 करोड़ और यह एवरेज हुई थी। इसके बाद मीनाक्षी जी की फिल्म आई दामिनी और दोस्त इसकी लागत थी मात्र 3.12 करोड़ की। फिल्म ने दुनिया भर से कमाई थी 12 करोड़ की और मेरे दोस्त यह बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई थी। दोस्तों वैसे यह मूवी काफी अच्छी है। इसके बाद आई थी बड़ी बहन और यह फ्लॉप हुई थी। इसके बाद आई आदमी खिलौना है और यह डिजास्टर हुई थी। इसके बाद आई तेरी पायल मेरे गीत और दोस्तों 1 करोड़ की लागत से बनी फिल्म ने कमाई 88,94,000 की और यह भी डिजास्टर हुई थी। इसके बाद आई साधना और यह तो फ्लॉप रही। अगली फिल्म आई मीनाक्षी जी की साल 1996 में घातक और मेरे दोस्त इस फिल्म की लागत थी 6.25 करोड़ की। दुनिया भर से कमाई इसने 27 करोड़ की और दोस्तों यह बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। वैसे दोस्तों यह फिल्म मुझे काफी मस्त लगी थी।
इसके बाद 1997 में इनकी फिल्म आई दो राहें और इसके बाद 1998 में आई थी विवेकानंद और यह तो फ्लॉप रही। तो दोस्तों यह था मीनाक्षी सेसाद्री जी का अब तक का फिल्मी सफर। आपको इन सभी फिल्मों में से इनकी कौन सी फिल्में अच्छी लगती है हमें कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो दोस्तों प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे ऐसी ही किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों खत्म, बाय बाय, टाटा।